हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे इट एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्स ऑफ अप्रैल 2023 6 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं सम वेरी गुड क्वेश्चन आर देयर पहला सवाल है इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट मस्ट बी डायरेक्टली अवब द अगर आप चाहते हैं कि कोई जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो सेम लोकेशन ऑन दी अर्थ पे रहे मतलब दिखे कि सेम लोकेशन ऑन दी अर्थ पे है तो वो आपको कहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है आप मुझे बता सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ थोड़ा सा सोच करके आंसर करने की कोशिश करेगा एद्रूटल में दी आंसर सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग इंग क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनएफटी आर यूनिक डिजिटल एसेट्स विद ईच टोकन रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक वैल्यू दूसरा है एनएफटीस इंक्लूड डिजिटल रियल स्टेट डिजिटल आर्ट एंड म्यूजिक तीसरा है एनएफटी इज नॉन इंटरचेंजेबल इन नेचर तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं तीनों स्टेटमेंट आप पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से सही हैं देखो मैं आपको आंसर बता देता हूँ हालांकि इसका करेक्ट आंसर है तीनों ही सही हैं पहली चीज़ तो एन यूनिक होते हैं हम सबको पता है एन यूनिक होता है है ना एंड ये यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है दूसरा देखो लिखा है डिजिटल रियल इस्टेट डिजिटल आर्ट डिजिटल म्यूजिक हाँ सबके लिए हो सकता है तो ये भी सही है तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरचेंज नॉन इंटरचेंजियबल होता है ऑब्वियस सी बात है सपोज करो एक धोनी का बैट है और एक सचिन का बैट है दोनों तो का आपने एन बनाया तो क्या आप धोनी के बैट के बदले सचिन का बैट ले सकते हो नहीं ले सकते ना क्योंकि उसकी एक अलग यूनिक वैल्यू है सचिन के बैट के और धोनी के बैट की अलग यूनिक वैल्यू है ऑब्वियस कहते हैं मेसी की दस नंबर जर्सी और सचिन की दस नंबर जर्सी की दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी फॉर डिफरेंट पीपल तो इट के नॉट भी इंटरचेंज है ना तो ये दैट इज़ द थिंग यहाँ पर तीनों ही सही है तीसरा सवाल है वायरलेस मोबाइल चार्जर इज़ रिप्लेसिंग यूएसबी मोबाइल चार्जर क्वाइट रैपिडली वायरलेस मोबाइल चार्जर वर्क्स ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान सवाल है ऑप्शंस में आप बड़े बड़े नाम देखेंगे डरिएगा नहीं बहुत ही आसान सवाल है ऑप्शन देखो बर्नॉली प्रिंसिपल क्रिचऑफ्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन या डी पासकल्स लॉ आप अटैम्प्ट करिए करेक्ट आंसर है सी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन ठीक तो है ना तो ऑब्वियस बात है क्रिचऑफ का लॉ जो है वो करंट से रिलेटेड है हालाँकि आपको नहीं पता होगा किचॉफ करंट लॉ होता है बर्नॉली का प्रिंसिपल तो लिक्विड इनसे संबंधित है यह आपको पता ही होगा एंड पासकल्स लो ऑपरेसर से रिलेटेड है तो ये ऑल दिस थिंग्स आर देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही वो काम करता है फ्रंट पेज की न्यूज़ में आते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्रिटिकल व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नॉट एंटी इस्टैब्लिशमेंट अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो क्रिटिकल व्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वो एंटी इस्टैब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट आप नहीं बोल सकते आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली मलयालम चैनल था एक मीडिया वन करके मलयालम चैनल था जिसके ऊपर बैन लगा दिया था नाउ कोर्ट हैज़ लिफ्टेड दैट टेलीकास्ट बैन और कहा है गवर्नमेंट को कि एक महीने के अंदर आप यानी कि चार हफ्तों के अंदर आप इसका बैन हटाएँ ताकि ये मीडिया वन काम कर सके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर अ होमोजेनाइज्ड व्यू ऑन इशूज़ दैट रेंज फ्राम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटी टू पोलिटिकल आइडियलॉजीज़ विल प्रजेंट ग्रेव डेंजर्स टू द डेमोक्रेसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर होमोजेनाइज हो गए व्यू मतलब कि जैसा कि रूलिंग पार्टी चाहती है या रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है अगर हमने वैसे ही व्यू बोलना शुरू कर दिया तो फिर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी इसी कारण से ज़रूरी है कि लोग सच सच बोलें लोग सत्य बोलें और पॉलिसीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उसको क्रिटिसाइज़ करके उसके लूफ होल्स निकालने की कोशिश करें ठीक है ना

जस्टिस नीमा कोहली के द्वारा तो ये आप याद रखिएगा मलयालम चैनल दूसरी जो न्यूज है वो है इंडियन एजेंसी गेट्स अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आई है कि एक फर्म uh, है क्वेश्चन में जिसका नाम है कॉगनाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड कॉगनाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड ये भी एक इसराइली कंपनी है एंड इट फेसिस क्लास एक्शन लॉ शूट इन यूएस फ्रॉम इन्वेस्टर्स कॉग्नाइट के ऊपर ये आक्षेप लगाए गए हैं कि ये जर्नलिस्ट डिसिडेंट्स या फिर जो ऐसे लोग जो क्रिटिकल हैं अथॉरिटीज़ के या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के उनकी फैमिलीज़ के अपोजिशन मेंबर्स के है अनह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के सबके ये स्नूपिंग करते हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं मैनिपुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें उनकी वाइटल इन्फॉमेशन के थ्रू तो ये आरोप लगाए गए हैं कागनाइट के ऊपर कॉगनाइड सॉफ्टवेयर लिमिटेड पैगेस का एक भाई समझ लो आप लोग पैगेस के एक तरीके से भाई है जैसे पैगेस था वैसा ही है और इंडियन जो फर्म्स हैं इंडियन आ, 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 आर्मी है इंडियन डिफेंस एजेंसी जो है वो परचेज करती है इक्विपमेंट इसी कंपनी के द्वारा तो अब एक ये भी अगेन द क्वेश्चन है अगेन राइजन की क्या वाकई इसका यूज़ इंटेलिजेंस के लिए किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था दैट क्वेश्चन है अगेन राइजन क्योंकि यू एस में इसके ऊपर एक लॉ सूट ऑलरेडी चल रहा है आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ यू कैन मूव अहेड विद मी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं गज उत्सव का इनोग्रेशन हो रहा है आप सबको पता है गज उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो कि आपका असम में लोकेटेड है सात तारीख को इसका गोनाग्रेशन होगा गज उत्सव जो मैंने आपको पहले भी बताया था एंड uh, गज उत्सव दो uh, इसका ओनाग्रेशन करेंगी uh, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड दिस इज दिस विल बी हेल्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम ठीक है तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल एंड इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ असाम और मिनिस्टर ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिलकर तो एक इंपॉर्टेंट चीज है महाराष्ट्र और कर्नाटका के डिस्प्यूट के बारे में हम सब जानते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है स्पेशली uh, बहुत सारे रीजन्स जो uh, वहाँ पे बेलगांव के आसपास बेलगावी के आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है uh, कर्नाटका का बेलगावी हो गया uh, कलबुर्जी हो गया बिदार हो गया उत्तर कनाडा के डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर बहुत सारे इशूज़ चलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र क्लेम करता है कि उनके में आता है तो कुछ पॉलिसीज़ का वो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं और कर्नाटका में ऑब्वियसली वो आते हैं तो क्या कर्नाटका कहता है कि भाई हमारे आप अपनी पॉलिसीज पे क्यों लेके आ रहे हो तो दैट इज द रीजन वाई दे आर हैविंग अगेन ड्रिफ्ट ओवर देयर क्योंकि हेल्थ स्कीम वही वाली बात है कि महाराष्ट्र जो है हेल्थ स्कीम का बेनिफिट यहाँ के लोगों को भी दे रहा है है ना तो दैट वॉज अगेन इन क्वेश्चन सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ यू कैन मूव ahead विद मी एडिटोरियल पार्ट में आते हैं जो पहला एडिटोरियल है वो है ग्रोथ के रिगार्डिंग आप सबको पता है कि कल हमारे ग्रोथ प्रूफ फोरकास्ट मैंने कल आपको न्यूज़ में बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने भी हमारे ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6 से घटा करके 6.3 कर दिया है एंड इसके अलावा एडीबी यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो मनीला बेस्ड बैंक है उसने भी हमारे ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया है एंड दो हज़ार तेईस चौबीस के लिए जो जी डीबी ग्रोथ फोरकास्ट था एडीबी का वो सेवन पॉइंट टू था पहले उसको घटा करके सिक्स पॉइंट फोर कर दिया गया है तो इनके उिट्रीन क्या क्या है क्यों घटाएंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कल भी फिर बताता हूं राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है ऑब्वियसली बात है जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी से अगर आप पैसा लेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोइंग अगर आप करेंगे तो वो सब आपको ज्यादा महंगी मिलेगी तो बोरोइंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग दूसरा जो रीज़न है वो है जो कंजम्पशन uh, डिमांड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बात है लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम अगर ज्यादा नहीं रहेगी तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी ठीक है ना एक और रीजन बताया गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम होता जा रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग दैट इज द रीजन वाई इट कैन बी सेट दैट कितनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी एंड ग्लोबल ग्लोबल स्लो डाउन है ग्लोबल सप्लाई चेन जो लिंकेजेस हैं वो ब्रेक हो चुके हैं कहीं ना कहीं एंड दैट इज़ अगेन अ रीज़न फॉर वॉट है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड अभी रिसेंटली एस यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक और इस तरह के बैंक्स का जो फेलियर देखने को मिला उस कारण से भी और स्लो डाउन देखने को मिलेगा वर्ल्ड में तो दीज थिंग्स आर द रीज़न आगे अगर देखें द टेक अवेज ऑफ द यू एन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ये दूसरा एडिटोरियल है तो आप सबको पता कि वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो है अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने कन्वीन की है ना एंड दिस वाज द फर्स्ट यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रेश वाटर इन ऑलमोस्ट फिफ्टी ईयर्स लगभग पचास साल वैसे एक्जैक्टली exactly अगर आप देखें तो नाइनटीन सेवेंटी सेवन में पहले हुई थी तो कुल मिलाकर के फोर्टी सिक्स ईयर्स हुए छियालीस साल के बाद हुई है लेकिन छियालीस से पचास साल के बीच में अब, अब मतलब हुआ है वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस का एंड इट वॉज इन द कंटेक्सट ऑफ सीरियस इन्वायरमेंटल इशूज़ जैसे कि फ्लडिंग हो गई ड्रॉट हो गए सीवियरिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया लूमिंग फ्लड फूड क्राइसिस हो गया इन सभी रीजन्स के कारण इसको कंडक्ट किया गया था एंड दिस कॉन्फ्रेंस मार्क्ड अ मिड टर्म री वाटर एक्शन uh, ये जो कॉन्फ्रेंस uh, थी इसने मार्क किया मिड टर्म रिव्यू ऑफ वाटर एक्शन वाटर एक्शन डिकेट के रूप में 2018 हजार अठारह से अट्ठाइस का टाइम है और उसमें देखना चाहते थे लोग कि कितना रिव्यू करना चाहते थे कि वाटर एक्शन के रूप में क्या चीजें हुई हैं ठीक है ना ऑलरेडी वाटर के रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स आपको पता होगा वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल है ना? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सेंटेशन फॉर ऑल एस डीजी सिक्स हैं एंड एक जो सेंट्रल आउटकम था इस कॉन्फ्रेंस का इट वाज इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा टू विच द गवर्नमेंट्स मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन बिजनेस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन सबर 670 सेवेंटी कमिटमेंट्स टू एड्रेस वाटर सिक्योरिटी इशूज तो लगभग छह सौ सत्तर से ज्यादा कमिटमेंट्स दिए गए एन जी ओज के द्वारा बिजनेस uh, के द्वारा मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा एंड ऑबली बात है ये जो वाटर एक्शन एजेंडा में जो टारगेट्स हैं हैं ये

कम ही रह जाती है जब फिनेंस कम रह जाते हैं तो उस कारण से भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं तो ऑथर ने गया कहा कि यहाँ भी वही चीज़ गई कि पहले तो आपको वाटर में जो ये वाटर गैप में जो फिनेंस का गैप है उसको दूर करना पड़ेगा है ना एंड आर ह्यूज गैप्स इन वाटर यूसेज डेटा मीटरिंग ऑफ वाटर हैज़ ट्रिगर्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू आयरलैंड बिकॉज ऑफ कंसर्नस अबाउट इक्टेबल एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ वाटर सर्विसेज तो मीटरिंग ऑफ वाट के लिए कोई अलाउ करता नहीं है ऑल दीज थिंग्स आर देर और केवल और केवल ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है कि एकमात्र इंटरनेशनल फंडिंग मैकेनिज्म है दट हैज़ बीन एबल्ड टू कवर मोर देन थ्री हंड्रेड वाटर शेड्स इसके अलावा कोई और दूसरा इंटरनेशनल फंडिंग मैकेजम नहीं है ठीक है ना इंडिया ने भी कॉन्फ्रेंस में लगभग 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहा है वाटर सेक्टर में जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को रिस्टोर करने के लिए रहेगा हालांकि कैक की दो की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में अट्ठावन परसेंट से बढ़ करके सिक्सटी के आसपास हो चुका है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में तो हमको उसको लिए भी जरूर देखना पड़ेगा एंड ग्राउंड वाटर बोर्ड्स और ये सब हमको लॉज बनाने पड़ेंगे ताकि जो ग्राउंड वाटर का है वो है रिसोर्सेज है उनको हम कम ना करें ऑथर ने हालाँकि

वाटर कमीशन नाइनटीन नाइनटी टू का है ना यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन टू ठीक है ना तो ये दोनों याद रखेगा चार्जेस एनपीसीआई तो ने भी रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चार्जेस लेंगे फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी लॉन्च किया कि भैया बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन में नहीं लगेगा ये ट्रांजेक्शन ये किस पे लगे जब पीपीआई से आप ट्रांजेक्शन करेंगे यानी कि जो आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे तब जा करके लगेगा जो इंटरचेंज फीस रहती है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये पी क्या है पी है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दे आर पेमेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेंड और रिसीव मनी बाई यूजिंग स्टोर्ड वैल्यू इन द वॉलेट जब वॉलेट की मदद से आप करते हैं ना एक्सचेंजेस जैसे कि आपके वॉलेट में पैसा है आप दूसरे के आप पेटीएम वॉलेट पे डाल रहे हो है ना तब जाकर के ये लगेगा ठीक है जैसे कई बार आपने शॉपकीपर्स में देखा होगा वो पेटीएम वॉलेट का क्यू कोड रखते हैं पेटीएम वॉलेट का वो नंबर दे देते हैं तो इस तरीके से जब आप एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से मतलब अपने वॉलेट की वैल्यू अपने वॉलेट में स्टोर्ड पैसे को आप जब आप किसी दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तब जाकर के ये पैसा लगेगा देखो होता क्या था पहले क्या होता था कि <coughs> पहले तो आप पैसा आ, अपने आ, मतलब जब आ, फ्री चार्ज या जब ये मूवी विक और ये सब थे पेटीएम था तो जैसे आप पेटीएम से फ्री चार्ज में पैसा नहीं डाल सकते थे आपको पता है ना आप पेटीएम से फ्री चार्ज में नहीं डाल सकते मूवी विक से फ्री चार्ज में नहीं डाल सकते मूवी विक से पेटीएम न... तो आपको दोनों को सेम होना पड़ता था तो इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं थी तो इस पीपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए आरबीआई ने कहा कि भैया ठीक है आप इसको इंटर ऑपरेबल करो तो सब जाकर के एनपीसीआई के पास गए कि भैया इसको ऑपरेबल कर दो ठीक है ना अब इंटरऑपरेबल तो यूपीआई ने बना दिए लेकिन अब इस जो ये ट्रांजेक्शन होगा जैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जैसा जैसे मान लो आप अपने वॉलेट में पैसा डाल रहे हो आप पैसा ऐड करोगे तो किससे ऐड करोगे यूपीआई की मदद से ऐड करोगे जब आप ये करोगे उसके बाद अपने वॉलेट से जब लग... ट्रांसफ़र करोगे दूसरे के वॉलेट में तब जाकर के ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा और ये कितना लगेगा ये वन पॉइंट वन परसेंट लगेगा एक अप्रैल दो हज़ार तेईस से और वो भी दो हज़ार से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन वैल्यूज़ पर ठीक है ना दो हज़ार से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन वैल्यूज पे पर तो ये भी आप याद रखिएगा ओपन सोर्स सीड मूवमेंट क्या है तो अब मैं आपको बता दूँ देखो क्या हुआ अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स राइट्स और पेटेंट्स आ गए हैं आप सबको पता है कि लोग अपने सीड्स क्रिएट कर रहे हैं फिर उनको उनको मतलब उनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले ले रहे हैं है ना प्लांट ब्रीडर्स हैं अब ऑब्वियसली बात है उनकी परमिशन के बिना आप उनके सीड्स की वेराइटी यूज़ नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें हैं तो एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जैसे कि ओपन ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसी तरीके से ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट स्टार्ट किया गया है एंड uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ताकि लोगों के पास जो मतलब जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं जो लोगों के पास एडवांस वराइटीज हैं सीड्स की वो ओपन सोर्स में डेवलप हो सके लोगों को फ्रीली मिल सके और कोई पेटेंट का या कॉपी का इशू ना रहे तो ओपन सोर्स सीड जो है वो दो में बोरू डॉट वाइट ने स्टार्ट किया था प्रपोज किया था विच वॉज एन ओपन सोर्स मॉडल फॉर सीड्स एंड प्लांट वराइटीज एंड स्कॉलर्स एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स बिल्ट ऑन इट फिर एक जर्मन एनजीओ थी एग्री कॉल करके उसने यूरोप में सिमिलर स्टार्ट किया और वहाँ पे बेसिकली क्या किया कि लोग ओपन सोर्स में जुड़ने लगे और वहाँ से फिर अपना मतलब ओपन सोर्स सीड इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने प्लेच लिया कि वो शेयरिंग बेसिस पे वो सीड्स को डेवलप करेंगे और इसमें कोई कॉपी भी नहीं रहेगा इंडिया में भी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है हैदराबाद है में जिसने इस तरीके का मॉडल डेवलप किया है तो आप ये याद रखेगा आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक्वा कल्चर बिल इन द लोकसभा तो गवर्नमेंट ने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 लॉन्च किया है और इस बिल के बेसिक से वो मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर एंड इट सीक्स टू डी ये इसका मेन काम क्या है पहला डीक्रिमिनाइजिंग सर्टेन ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द अर्लियर 2005 एक्ट पहले जो 2005 का एक्ट था उसमें कुछ बहुत सारे जो ऑफेंसेस थे उनको डिक्रिमिनाइज करना है पहला है ना ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े दूसरा इट इज़ ऑल्सो एम्ड डैट फाइन ट्यूनिंग द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अब एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनती है उसके ऑपरेशंस को फाइन ट्यून करने के लिए भी और नए फॉर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल लाया गया इट ऑल्सोज अ प्रोविजन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ इन कोस्टल एक्वाकल्चर तो कोस्टल एक्वाकल्चर में किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक यूज ना हो या फार्मोलॉजिकली एक्टिव सस्टेंस यूज हो इसकी भी पावर बिल प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन अब इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए इसमें चार साल का टेंडर होता है मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 में बनी थी ये हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की विच ब्रिंग्स टुगेदर द चीफ स्टैटिस्टिशियंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स 1947 में बनी थी एंड ये कवर ओवर कर करता है वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन का एंड इट्स एंड इट इज़ द फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी मेम्बरशिप जो है